24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। खबर है अलीराजपुर से। सातवें वेतनमान के प्रथम किस्त के भुगतान में मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले का सोंडवा विकास खंड रहा प्रथम। प्रांतीय शिक्षक संघ ने अधिकारियों का किया स्वागत। लंबे इंतजार के पश्चात जब ट्राइबल विभाग ने अध्यापकों के सातवें वेतनमान के भुगतान के आदेश 11 नवंबर को जारी किए, उसके तुरंत बाद जिले का प्रांतीय शिक्षक संघ सक्रिय हुआ। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी व प्रभारी डीडीओ खंड शिक्षा कार्यालय सोंडवा की त्वरित कार्रवाई के चलते प्रांतीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष राजेश आर वाघेला के नेतृत्व में सहायक आयुक्त सुश्री जानकी यादव एवं सोंडवा विकास खंड के बीओ श्री रामानुज शर्मा से मिलकर आवेदन सौंपा व शीघ्र भुगतान की मांग की थी। उसी के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश में सबसे पहले सातवें वेतनमान की प्रथम किस्त का भुगतान अलीराजपुर जिले के सोंडवा विकास खंड के अट्ठा छकलता सोंडवा कुंडवाट मथवाड़ आदि संकुलों का भुगतान किया गया। उसके पश्चात अन्य संकुल के भी भुगतान की पूर्ण रूप से तैयारी है। निश्चित ही यह सोंडवा बीओ श्री रामानुज शर्मा एवं उनकी टीम की सक्रियता का परिणाम है, जो कि प्रदेश में सबसे पहले ट्राइबल विभाग के साथ वेतनमान की प्रथम किस्त का भुगतान हुआ है। प्रदेश में सबसे पहले प्रथम किस्त के भुगतान पर प्रांतीय शिक्षक संघ ने अनुविभागीय अधिकारी व प्रभारी डीडीओ खंड शिक्षा कार्यालय सोंडवा के देवकी नंदन सिंह बीईओ श्री शर्मा कार्यालय कर्मचारी योगेंद्र गोड वीरेंद्र चौहान एवं उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए पुष्पमाला से स्वागत कर मुंह मीठा किया। इस अवसर पर एसडीएम श्री देवकी नंदन सिंह एवं बीओ श्री शर्मा ने कर्मचारी हित में हमेशा तत्पर रहने की बात कही। संघ अध्यक्ष श्री वाघेला ने कहा अन्य विकास खंड बीओ एवं संकुल प्राचार्य से आशा करते हैं कि वह भी शीघ्र ही सातवें वेतनमान की किस्त का भुगतान कर समय पर कर्मचारियों को लाभ देंगे। इसके साथ ही सोनवा प्रभारी संकुल प्राचार्य गिरधारी राठौर सहित अट्ठा छकतला कुंडवाट मथवाड़ के संकुल प्राचार्य का भी आभार व्यक्त किया। कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल के कल सिंह डावर दिलीप सोंदिया सुरेश आवसिया सुल्ला सस्तिया राम नारायण मंडलोई सुनील अजनावदिया अंतर कनेश सीमा खरत कुंवर सिंह आदि उपस्थित थे। मैं एसडीएम सोंडवा बीओ कार्यालय का डीडीओ भी हूँ और इस दरमियान हमने शिक्षकों के जो भी ड्यूज थे उनको समय पे निकाला है और हम चाहते हैं कि समय पर आपका जो हक है वो लगातार मिलता रहे और आने वाले समय में भी जब भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होंगी हम उनको निराकृत करेंगे और समय समय पर जो उनको मिलने वाले लाभ होंगे वो उससे वंचित नहीं होंगे, उन्हें सदा हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने 1 जुलाई 2018 से शिक्षक संवर्ग को सातवां वेतनमान स्वीकृत किया था और उस संदर्भ में अलीराजपुर जिले के सोनवा विकास खंड ने अपने डीडीओ श्री देवकी नंदन सिंह साहब जो हमारे एसडीएम भी हैं उनके मार्गदर्शन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे पहले सातवें वेतनमान के एरियर की प्रथम किस्त शिक्षकों को भुगतान कर दिया। इस सब में मेरे पूरे स्टाफ विशेषकर योगेंद्र गौड़ और मेरे संकुल के साथियों का बहुत योगदान रहा और आदरणीय सर का जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया और उनके कारण हम लोग राज्य कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय शिक्षक संघ द्वारा संयुक्त रूप से ट्राइबल विभाग में सातवें वेतनमान का मध्य प्रदेश में प्रथम लाख रहा है सोंडवा वेतन एरियर भुगतान करने में। तो हमारे आज के स्वागत का उद्देश्य यह था कि ऐसे अधिकारियों से प्रेरणा लेकर अन्य जिले भी आगे आए और मध्य प्रदेश में समस्त जगह पर जल्द जल्द सातवें वेतनमान का भुगतान हो। राजपुर से संवाददाता मुस्तकीम मुगल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।